हे hey गाइस माहौल जबरदस्त शानदार सीए सी और सीए में इंटरमीडिएट सरकार मोस्ट वेलकम टू द लेक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी सर जीएसटी फोर्टी मार्क्स कवर करता है सर ये टैक्सेशन का जो पेपर है आपका उसमें सिक्सटी मार्क्स इज फॉर डायरेक्ट टैक्स फोर्टी मार्क्स इज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स विच इज जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपने नाम सुना होगा साहब वो मैं पढ़ाऊंगा आपके लिए सर बिफोर बिगनिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देखिए बच्चों सबसे पहली बात यह समझना बहुत जरूरी है यह बात करना बहुत जरूरी है कि टैक्सेशन अगर हम बात करें तो आपके लिए टैक्सेशन पूरा ही एकदम नया सब्जेक्ट है एज फार एज फाउंडेशन वॉज कंसर्न फाउंडेशन में जो सब्जेक्ट थी मोर लेस आपने उनके नाम सुने हुए थे आपने जो कॉमर्स जब ऑप्ट किया होगा इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में तब आपने कई सारी चीजें वहां पढ़ी होगी और उससे उसका एक्सपांशन या उसका बड़ा रूप आपने देखा होगा फाउंडेशन में अब आप नेक्स्ट लेवल पे आ गए हो इंटरमीडिएट लेवल पर अब सर इंटरमीडिएट लेवल पर जो आपसे पढ़ाई एक्सपेक्ट की जाती है वो ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आर्टिकलशिप जाएंगे तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज रहे आपको वर्किंग नॉलेज जरूर रहे सब्जेक्ट का सो so देट आप आर्टिकलशिप में जब आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल नई चीजें नहीं हो आपको ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड पता हो अब सर एज फार इज टैक्सेशन इज कंसर्न तो टैक्सेशन क्या होता है नाम जरूर सुना होगा पर टैक्सेशन आपने शुरू अभी किया है इंटरमीडिएट में इसलिए जीएसटी की बात कर हैं हम सर जीएसटी शुरू करने से पहले मैंने ये ले रखा है कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता हम पहली बार नाम सुन रहे हैं जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ओके okay, मैं तो इनफैक्ट ये सोचता हूं कि टैक्सेशन का नाम भी आपने पहली बार सुना है एंड पहली बार हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग जीएसटी रिगार्डिंग टैक्स ओके सो वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द स्क्रैच एकदम बेसिक से शुरू करना है वी हैव टू बिगिन राइट फ्रॉम द स्क्रैच एंड वी हैव टू रीच टिल द लेवल विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दी ओके सर इन लेक्चर्स के अंदर इन लेक्चर्स के अंदर हम जो बुक आपको दे रहे हैं दैट बुक कवर्स एक्सपेक्ट करता है वो सब क्वेश्चन भी आपको लेक्चर में मिलेंगे बुक्स में मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन प्लस आपको जो एक बुक मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जीएसटी रिबूट नाम की बुक उसके अंदर आईसीआई के सारे स्टडी मंडल के क्वेश्चन प्लस एक आईसीआई इशू करता है रिविजन टेस्ट पेपर आरटीपी बिफोर द एग्जामिनेशन आईसीआई के जितने भी आज तक जीएसटी के एग्जाम हुए मे टू थाउजेंड एटीन से जीएसटी पहली बार एप्लीकेबल हुआ था एग्जाम से लेके अब तक जितने भी एग्जाम्स में आईसीआई ने क्वेश्चन पूछे एग्जामिनेशन के वो सारे क्वेश्चन विद्यूशन मैंने आपको दे रखे उस रिबूट वाली बुक में ओके <laughs> okay? तो सर आरटीपी मॉक टेस्ट पेपर भी आईसीआई इशू करता है उसके पेपर्स प्लस आईसीआई के सजेस्टेड पेपर्स मतलब जितने भी पेपर्स आज तक एग्जामिनेशन में पूछे हैं उन सबके सॉल्यूशन प्लस खास बात ये सारे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सारे क्वेश्चंस एज पर आईसीआई स्टैंडर्ड आईसीआई का जो एग्जामिनेशन सोल्यूशन का जो सॉल्यूशन का पैटर्न था उसी बेस पर है प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अमेंडमेंट मान लो दो में कोई क्वेश्चन आया था और मान लो लॉ के अंदर कोई चेंज हो गया अमेंडमेंट आ गया तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हमने अमेंड करके आपको दिया है So, जो बुक आपको मिल रही है totally सारे अकॉर्डिंग ही मिलेंगे जो आपको जीएसटी पार्ट नाम का एक बुक मिलेगा मेन बुक जिसमें जितना भी कंटेंट सारा अमेंडेड है प्लस रिबूट बुक के अंदर 50 परसेंट पोर्सन जो है वो क्वेश्चन वाला है एंड रिमेनिंग पार्ट इज तो मैंने सर आपका जितना भी कंटेंट है उसको समराइज फॉर्म में भी दे रखा है इन दी जीएसटी रिबूट बुक उसका 50 परसेंट पोर्स पीछे वाला पोर्शन समरी बुक का है तो आप एग्जामिनेशन के लिए या एग्जाम से पहले भी जब रिवीजन करते हो तब आपने वो जीएसटी रिबूट का समरी बुक्स अगर आपने रिवीजन कर लिया तो एवरीथिंग इज कवर्ड डोंट वरी ओके माहौल प्लस एक मैंने आपको जीएसटी चार्ट बुक भी दिया है वो जीएसटी चार्ट बुक के अंदर हर एक टॉपिक का पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन

और वो चार्ट फॉर्म जैसे आपने देखा आपका कॉन्फिडेंस बहुत अलग लेवल पर जाएगा सर क्लियर इसलिए सर मैंने आपको बुक्स का बताया कि क्या क्या बुक्स आपको दी और क्यों दी है आइए और बात करेंगे लेक्चर शुरू करना बाकी साहब ये सब बातें चलती रहेगी एंड हम सर पढ़ते जाएंगे माहौल के साथ और हां एक बात और बिफोर बिगनिंग द लेक्चर ऊपर क्या लिखा भाई माहौल शानदार जबरदस्त माहौल जबरदस्त शानदार सर ये तीन वर्ड्स ही हमारी जिंदगी बनने वाले इन दी एंटायर जीएसटी तो सरकार शुरू करते हैं हम माहौल के साथ बनाएंगे माहौल शानदार वाला पढ़ाई का भी और सर कॉन्सेप्ट्स का भी आइए सर शुरू करते हैं हम क्या इनडायरेक्ट टैक्स सर इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करने से पहले सबसे पहली बात आइए सर सबसे पहली बात साहब इनडायरेक्ट टैक्स हो अच्छा सबसे पहले हम लिखते थे भगवान का नाम भगवान को एक बार याद कर लेते हैं हम सर शुरू कर रहे हैं हम अंताक्ष लेके प्रभु का नाम तो बोलते ना सर शुरू कर रहे हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स लेके प्रभु का नाम हे प्रभु हम सबको इतनी शक्ति देना हम सबको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग करना कि हम सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से समझ पाए एंड उसको अच्छे से प्रैक्टिकली हम एग्जाम्स के श्केंद, अंदर एग्जाम्स के अंदर भी अच्छे से लिख पाए एंड प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे काम आए चलिए सर भगवान से यही दुआ करते हुए यही प्रार्थना करते हुए हम शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स सरकार सबसे पहली बात इनडायरेक्ट टैक्स और एक और आपने नाम सुना होगा डायरेक्ट टैक्स सर दो तरह के टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स इंड डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो हम पढ़ेंगे सर डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं इनकम टैक्स जो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ ली होगी या पढ़ने वाले होंगे साहब या पढ़ रहे होंगे आप क्लियर सर जीएसटी के अलावा कस्टम्स वेट एंटरटेनमेंट टैक्स सर्विस टैक्स जो पहले था एक्साइज अरे है ना भाई सर ये कुछ टैक्सेस और है मैं लिख देता हूं एटसेट्रा ओके okay? सो so, ये एग्जाम्पल अभी इंडायरेक्ट टैक्स होता क्या है डायरेक्ट टैक्स होता क्या है इंडायरेक्ट टैक्स में और डायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है क्लियर ये सब पढ़ने से पहले ये सब पढ़ने से पहले सर हम बात करेंगे भाई साहब आखिर ये टैक्स क्या होता है सर देखो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करनी है अपने को अपनों को तो यह समझना है कि साहब ये होता ही क्या आखिर आखिर टैक्स वॉट इज टैक्स वट डू मीन बाय टैक्स सर आप अच्छा एक बात और हम कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ाई कर रहे है, इसको छोड़ दीजिए आप हम आप और हम मिलके बात कर रहे हैं सर नो डाउट दीज आर वीडियो लेक्चर्स बट सर आई वांट यू टू कॉन्सेंट्रेट हियर ओनली और जो भी मैं बात कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप और हम दोनों बात करें सर और दिल के तार जब जुड़ते हैं तो बातों के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता वाह 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 सर ओके okay, मेरी बात सुनी ध्यान से टैक्सेशन सर डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो सर टैक्स क्या होता है सर आप सोचिए देखिए आप दे डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके देखिए सर आप आपके फैमिली में भी देखते होंगे आपके फादर मदर या जो भी वर्किंग पर्सन है आपने देखा होगा वो टैक्स पे करते हैं किसको पे करते हैं साहब किसको पे करते हैं टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को टैक्सेज आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट टैक्सेस आर द रेवन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ओके वन ऑफ द सोर्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज टैक्सेस जिससे सरकार अपने खर्चे निकालती है सर सरकार को अपना पूरा देश इसका पूरा अपने देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भाई पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर संभालने के लिए रोड बनानी है आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को रेलवे बनानी है आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को देश का डेवलपमेंट करना है पैसा आएगा, अरे सर सिक्योरिटी पुलिस आर्मी आज देखिए ना हिंदुस्तान देश की सरहद पर जो सैनिक लोग जो आर्मी हम सब की सेवा कर रहे हैं हम सबका सर रक्षा कर रहे हैं उन सबको पैसा कहां से जाएगा उन सबका घर कैसे पलेगा साहब उनको सैलरी से मिलेगी उनको सैलरी गवर्नमेंट देगी सर गवर्नमेंट कहां से देगी टैक्सेस से देगी सर हा है ना तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स क्या वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्स क्लियर अच्छा आप मुझे बताओ इससे भी आगे बढ़ने से पहले एक बात और कर लेते हैं सर टैक्सेस अभी अभी हमने बात करी टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ओके मालिक टैक्सेज आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये हु इज द गवर्नमेंट यस सर चलिए बहुत बेसिक से शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से हु इज द गवर्नमेंट कौन है सरकार आपकी बार मोदी सरकार पांच साल फिर से मोदी सरकार ऐसा हु इज द गवर्नमेंट कांग्रेस बीजेपी हु इज द गवर्नमेंट सर सरकार कौन है आखिर सोच देखिए सर पता है कौन है गवर्नमेंट आप है गवर्नमेंट आप आसपास जितने लोग देख रहे हो वो है गवर्नमेंट हम है गवर्नमेंट हम सब मिलके क्या बनाते हैं गवर्नमेंट बनाते हैं कैसे सर इंडिया में क्या है मालिक डेमोक्रेसी इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आपने नाम सुना होगा सर इंडिया में कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कह दिया राजा ने कह दिया ये मानना ही पड़ेगा साहब बात फाइनल है नहीं है सर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री सर डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता मालिक सर फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा दैट्स व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी वो हिंदुस्तान में है मतलब सर ये देश कौन चलाएगा कोई राजा नहीं चलाएगा कौन चलाएगा गवर्नमेंट चलाती देश आपने नाम सुना होगा बहुत कॉमन सेंस में बात करूं सर बहुत बेसिक से मैं कह रहा हूं आपके दिल में बात पहुंचनी चाहिए ये पूरा जीएसटी कैसे खत्म होगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा पूरा टॉपिक ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे ऐसे ही बात करते जाएंगे एंड बहुत ही बेसिक से शुरू करना है सर मेरे को कोई बहुत बड़े बड़े फंड आपके सामने लाके नहीं देना है कि देखो मेरे को कितना आता है नहीं मेरे को यह प्रूव करना है कि देखो आपको कितना आता है सर सुनना बात को ध्यान से बहुत अच्छे से समझना एंड सर इन्वॉल्व होकर बात करना कि सरकार देश कौन चलाता है गवर्नमेंट चलाती है सर गवर्नमेंट मतलब हम गवर्नमेंट मतलब हम सर आप हे गवर्नमेंट आप हे गवर्नमेंट आप हे गवर्नमेंट सारे लोग हम सब मिलके बनाते हैं सरकार एंड हम सब ए गवर्नमेंट सर हु इज द गवर्नमेंट वी ऑल आर द गवर्नमेंट ओके सर मजा आ गया सर हम सरकार सुनने में सर बड़ा अच्छा लग रहा है पर सर देश की लगभग 135 करोड़ प्लस पब्लिक है सर सर देश में जितने कानून है जितने एक्ट है जितने लॉज बने हुए सब किसने बनाए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट कौन हम मतलब देश में जितने लॉज है जितने एक्ट बने हुए हैं जितने रूल्स बने हुए हैं जितने कानून बने हुए हैं सब हमने बनाए क्या बात कर रहे हो सर इनकम टैक्स एक्ट हमने बनाया क्या बात कर रहे हो कंपनीज एक्ट हमने बनाया जी हाँ पर कैसे बनाया है सर देश की 135 करोड़ प्लस पब्लिक कैसे कैसे बनाएगी सब पहली बात तो हम सब मिलकर डिसीजन लेंगे कैसे लेंगे सर मेजोरिटी से लेंगे पर मेजोरिटी से डिसीजन लेने के लिए 135 करोड़ पब्लिक खड़ी होगी? भगदड़ बगदर तो खत्म हाँ ना इसलिए ये 135 करोड़ पब्लिक एक जगह इकट्ठी कैसे होगी कैसे बात करेंगे कैसे कम्युनिकेट करेंगे कैसे लो पास होंगे सर कैसे से डिसीजन लिए जाएंगे देश को चलाने के लिए इसलिए हमने क्या किया इस डेमोक्रेसी को रन करने के लिए सर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ पीपल को सर सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किया हमने सर हमने ही डिसीजन लिया कि हम सिंस 135 करोड़ पब्लिक एक साथ नहीं खड़ी हो सकती एक, एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते एक साथ कहा बैठेंगे एक साथ कैसे बात करेंगे इसलिए हमने हमारे बीच में से ही हर एरिया में से सर जो वेल मैनर्ड वेल एजुकेटेड जो अच्छे लोग हैं, उनको जो हमको रिप्रेजेंट कर पाए, उनको हमने इलेक्ट किया वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड अच्छे लोग मत अपने आप सर।, सर इनको हमने क्या किया इलेक्ट किया एंड सर इलेक्शन के थ्रू हमने क्या किया साहब हर एरिया में साहब देखना जिस एरिया में आप रहते हो वहां के अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सर हमने पार्लियामेंट बनाई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होंगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनको हमने इलेक्ट किया है सर हमने क्या किया हर एरिया के देश के सारे डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सर हमने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए थ्रू इलेक्शन प्रोसेस मतलब मान लो मुंबई महाराष्ट्र में है अंधेरी अंधेरी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमने इलेक्ट किया है और हमने उनको चुना है कि ही विल रिप्रेजेंट एंटायर ही विल रिप्रेजेंट द एंटायर पीपल ऑफ अंधेरी और उन्होंने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे अंदर के सारे लोगों ने डिसीजन लिया है उन्होंने किसी डिसीजन के लिए एग्री किया मतलब सारे अंदर के सारे लोगों ने एग्री किया है हा है ना भाई सर जैसे घर के अंदर परिवार में जो बड़ा सदस्य होता है सर उसने कोई डिसीजन लिया तो मतलब फैमिली के बिहाफ पे डिसीजन लिया रिप्रेजेंटिंग द फैमिली सेम वे सर पूरे इंडिया के अंदर हर एरिया से हमने क्या किया सर उस एरिया के लोगों ने अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शन एंड अल्टीमेटली दे फॉर्मड पार्लियामेंट अल्टीमेटली दे फॉर्म पार्लियामेंट इसका मतलब ये हो गया सर आप बात को समझने की कोशिश करना आराम से कोई जल्दी नहीं होले होले माहौल के साथ सर इसका मतलब ये हो गया कि सर गवर्नमेंट मतलब हम भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करो मैं सेम सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट में होता है हर स्टेट वाइज होता है वो डिसीजन पर भी वो छोड़िए आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम समझ लीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब हम और हम मतलब पार्लियामेंट भाई गवर्नमेंट मतलब अभी हमने बात करी डेमोक्रेसी साहब गवर्नमेंट मतलब हम हम सब ने मिलकर सरकार बनाई हम सब ने मिलकर कैसे बनाई है हमने हमारे बीच में से अच्छा सुंदर सर वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड जो हमारी बात सुने हमारी बात को समझे और हमारी बात को रिप्रेजेंट कर पाए उसको हमने इलेक्ट किया एंड अल्टीमेटली दे फॉर्म पार्लियामेंट पूरे देश के सर सारे रिप्रेजेंटेटिव जहां बैठे हैं दैट्स व्हाट इज कॉल्ड पार्लियामेंट मतलब संसद आपने नाम सुना होगा सर पार्लियामेंट अगर पार्लियामेंट में सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट है इट मीन पूरा देश प्रेजेंट है अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश के लोगों ने डिसीजन लिया है क्योंकि अल्टीमेटली आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ एंटायर ऑफ द कंट्री पूरे देश में जितने एरियाज है हर एरिया से हमने लेके किया ऐसा नहीं है कि सर हमने किसी एक एरिया से ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया सारे हर देश के कोने से हमने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके सर उनको भेजा है पार्लियामेंट में एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग एंटायर कंट्री इट मींस अगर पूरा संसद सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे इट मीनस पूरा देश बैठा है सर पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है पार्लियामेंट ने अगर कोई बात डिस्कस करी मतलब पूरे देश के सारे लोगों ने डिस्कस करी सर आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई अब बताइए मुझे गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब सर पार्लियामेंट अरे हा है ना तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के जितने भी पावर्स है ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स तो सरकार के जितने भी पावर्स है वो सारे पार्लियामेंट्री पावर मतलब जो पार्लियामेंट बोलेगी वो होगा सर पार्लियामेंट को रिजेक्ट कर दे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा वो ना हो पाएगा सर सो अल्टीमेटली सर गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट इसका मतलब ये हुआ साहब बात को समझने की कोशिश करना जल्दी नहीं है अपने को आराम से सर पार्लियामेंट में भी दो सिस्टम है सर देर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा <coughs> लोकसभा के जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो सब हम हमने जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है हमने जो वोट डाला है सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो जाते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं सर राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं सर तो सर जैसे हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वैसे स्टेट गवर्नमेंट में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं सर तो जैसे एमपी के चुनाव होते हैं इलेक्शन होते हैं वैसे ही एमएलए के इलेक्शन होते हैं हम उनको इलेक्ट करते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है सारे एमएलए साहब वो सारा महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जितने जितने भी एमएलए है वो हर पांच साल में वो इलेक्ट uh, होकर आए बेटा अब वो लोग क्या करते हैं इसका सिस्टम में हम नहीं जा रहे बहुत ज्यादा डेप्थ में जितना काम की बात उतनी बता रहा हूं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब एमएलए स्टेट गवर्नमेंट वाले वो अपना एक नॉमिनी इलेक्ट करते हैं राज्यसभा में भेजने के लिए राज्यसभा इज द पार्लियामेंट का सेकंड हाउस तो स्टेट गवर्नमेंट में जो एम एल वो है आपस में सर अपना एक नॉमिनी सर सेलेक्ट करते हैं और उस नॉमिनी को भेजते हैं कहां पर राज्यसभा में तो सर राज्यसभा क्या है जो स्टेट गवर्नमेंट के एमएलए है उन एम ने अपने नॉमिनी वहां पर इलेक्ट करके भेजा है दैट्स इज कॉल्ड उसका जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर वो क्या है राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सर तो देर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा सर वैसे वो मुद्दा भी मेरा नहीं है पर यस जस्ट नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया एंड सर ध्यान देना वो भी अल्टीमेटली कौन है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है तो अल्टीमेटली सर जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगा वो मानना पड़ेगा एंड बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा हो या लोकसभा हो वो सब मिलके कानून बनाते कैसे बनाते दो मिनट रुकिए अभी आप सर तो सर अभी यहां तक हमने बात कर ली गवर्नमेंट कौन जल्दी बताओ साहब हम अरे गवर्नमेंट कौन हम ओके सर आ जाओ वापस हमारी बात पर सरकार किसने बनाई सरकार हमने बनाई सरकार कैसे बनाई सर थ्रू इलेक्शंस बनाई सर इलेक्शन के थ्रू हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दी सर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है रिप्रेजेंटेटिव एंटायर कंट्री संसद ने अगर कोई डिसीजन लिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट है संसद में पार्लियामेंट में इट मींस पूरा देश वहां प्रेजेंट है वो अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो पूरे देश के लिए डिसीजन ले रहा है पूरे देश ने डिसीजन लिया है एंड सर पूरे देश के लिए डिसीजन लिया है वो क्लियर oh. एंड सर संसद पर हमला हुआ मतलब अरे पार्लियामेंट पे अगर कोई हमला हुआ मतलब पूरे देश पे हमला हुआ है सर इसलिए इसलिए सर संसद के अंदर को डिसीजन लेना पार्लियामेंट जिसको बोलते हैं हिंदी में संसद इज़ यू नो ये यही एक मूल आधार है हमारे देश का क्लियर ओके सो पार्लियामेंट क्या है आई होप आपको बात समझ में आ गई है अब सर बात आती है क्या अच्छा मैं आपको कोई इलेक्शन पढ़ाने नहीं आया हूं ओके मैं आया हूं क्या पढ़ाना है जीएसटी यस मेरी रिलेवेंट बात थी मैंने उतनी बात करी आपसे एंड सर बात को समझेगा ध्यान से सारे देश ने डिसीजन लिया है देश में सर कोई भी लोग पास करना है कोई भी नया कानून आना है पुराने कानून हटाने हैं कोई लॉ में अमेंडमेंट करना है कौन करेगा सर पार्लियामेंट पार्लियामेंट मतलब हम लोग क्लियर इसलिए सुनना बच्चों ध्यान से गवर्नमेंट कौन जल्दी बताओ वापस गवर्नमेंट कौन हम अच्छा एक बात ध्यान ना मैंने कोई क्वेश्चन पूछा इट मीनस यू नो द आंसर एंड यू हैव टू गिव आंसर मैं कभी आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा जिसका आंसर आपको नहीं पता होगा आप सोचिएगा जरूर से सर मैंने क्वेश्चन पूछा इट मींस आप लॉजिकली उसको सोच के आंसर दे सकते हो एंड यू हैव टू इन्वॉल्व विद मी इन माय लेक्चर मजा आ जाएगा सर आपको एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी विल बी ऑन योर टिप्स सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये है गवर्नमेंट कौन हम अरे ऐसे नो सर जितने भी लॉज बनाए हैं किसने बनाए हमने बनाया सर बोलने में बहुत आसान लगता है सर आप मुझे बताओ देश के जितने कानून है किसने बनाए सिंस डेमोक्रेसी है पब्लिक ही करेगी जो करना है तो सर हमने ही बनाया हमने बनाया थ्रू पार्लियामेंट क्लियर अब मुझे आप बताओ अगर देश के सारे कानून हमने ही बनाए किसके लिए बनाए हमारे लिए बनाए तो क्या वो इलॉजिकल होंगे सोचिए देखिए आप देश के जितने कानून बने हुए हैं जितने एक्ट बने हुए हैं वो सब किसने बनाए हमने बनाए किसके लिए बना है हमारे लिए देन यू टेल मी क्या वो लॉज क्या वो कानून इलॉजिकल होंगे कभी नहीं गवर्नमेंट कौन हम आप बोलो क्या गवर्नमेंट चोर है बोलो सर सरकार बोलते हो ना आप लोग कई बार गवर्नमेंट चोर गवर्नमेंट कौन हम बोलो हम चोर है नहीं हो सकता है हो सकता है कुछ लोग जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो चोरी कर रहे हो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकता है गलत काम कर रहे हो जो आपकी नजर में गलत है सर कुछ हो सकता है रिप्रेजेंटेटिव सही काम नहीं कर रहे हैं वो चोर हो सकते हैं बट एंटायर गवर्नमेंट इज नॉट चोर कि गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट तो सर पार्लियामेंट ने अगर कोई एक्ट बनाया है कोई कानून बनाया है कोई लॉ को चेंज किया है इट मीन्स दैट इज लॉजिकल दैट इज रिक्वायर्ड बाय आर कंट्री इसलिए बनाया इसलिए जब सारे कानून हमने बनाए सारे कानून हमारे लिए बनाए हैं, तो डेफिनेटली वो लॉजिकल होंगे और लॉजिकल अगर है तो हम उसको बुक से याद क्यों करें सर क्यों मगब करें इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो लॉ बनाए जो कानून बनाए वो सब हमने बनाए हमारे लिए बनाए हमारे देश के लिए बनाए डेफिनेटली वो लॉजिकल है तो सर उन लॉजिक को समझने की हमको कोशिश करनी चाहिए एंड जैसे ही वो लॉजिक समझ में आएगा मेरी गारंटी वो लॉ अपने आप आपको समझ में आएगा दैट्स वॉट इज माई टारगेट एंड मैं चाहता हूं पूरा जीएसटी में आपको लॉजिकली समझा दू सर समझे इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक कोई भी सर लॉ पढ़ रहे हो अगर आप तो उसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको समझने की जरूरत है कि आखिर वो लॉ क्यों बना कैसे बना क्या रीजन रहा उसके बनने के लिए वो सब हम बात करने वाले सर ओके और उसके बाद लॉ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा और एक बार अंडरस्टैंडिंग बैठ गई फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये सॉफ्टवेयर इतना खराब मत कर दो कि यूज ही नहीं कर पाओ सर इस चीजों को इतना आसान करो कि आंसर अपने आप आपके अंदर से आए सर आपको याद करके आंसर लिखना रहे फिर मजा नहीं आएगा सर कितना याद रख लोगे सर इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करना आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको हर लाइन हर वर्ड हर टॉपिक समझा दू और ऐसा समझा दू कि आप अपने फ्रेंड को समझा सकते हो अपने मम्मी पापा से बात करते वक्त आप समझा सकते हो हाँ सब ये जीएसटी होता है ऐसे होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, है, है माहौल के साथ जिंदगी में मजा आ जाए सर तो सरकार हम बात कर रहे थे क्या आखिर गवर्नमेंट कौन हम सर गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट मतलब सर गवर्नमेंट के जितने भी पावर से गवर्नमेंट के जितने भी पावर से ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स मतलब जो चेंज करना है वो पार्लियामेंट करेगी पार्लियामेंट कौन हम नया लॉ बनाना है कौन बनाएगा हम बनाएंगे पुराने लोग को हटाना है कौन हटाएगा हम हटाएंगे पुराने लोग को चेंज करना है हम करेंगे अमेंडमेंट करना है हम करेंगे सर अरे ऐसे नो हम मतलब थ्रू पार्लियामेंट इसलिए गवर्नमेंट के जो भी पावर्स है ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स ऑल पावर सार पार्लियामेंट्री पावर सर आप समझने की कोशिश करना पार्लियामेंट कितनी ताकतवर है सर अब सर बात आती है क्या सरकार बात हमने कर ली कि जो भी एक्ट नया बनाएगा पार्लियामेंट बनाएगा पुराने लॉ में चेंज करना है पार्लियामेंट करेंगे मतलब अमेंडमेंट पुराने लॉ हटाने हैं कौन हटाएगा पार्लियामेंट अब सर ये सब ठीक है पर सर क्या पार्लियामेंट सर क्या ऑल 365 डेज इन अ डे 365 डेज इन अ ट्वेंटी फोर आवर्स इन अ डे क्या साल भर पार्लियामेंट चलती है क्या साहब सर देश के नेता लोग अरे बहुत बिजी है साहब दे आर रिप्रेजेंटेटिव हमारे वो एम्प्लॉय नहीं है सर वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे नेता लोग है सर सर बहुत बिजी है केवल पांच साल मिले उनको करप्शन करप्शन नहीं सॉरी सॉरी काम करने के लिए साल। सर सर साल। अब ने, they are, they all are occupied. सर सर साल दे दे आर आर ऑल ऑक्यूपाइड पार्लियामेंट के साल पर थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन अयर सेशन नहीं होते पार्लियामेंट के साल में तीन सेशन होते सर अच्छा ऐसा कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है भारतीय संविधान में के लिखा नहीं है बट बाय कन्वेंशन जिस तरह से होता जा रहा है सर साल में तीन सेशन होते पार्लियामेंट के सर अब पार्लियामेंट के तीन सेशन होते हैं साहब वो भी कुछ दिनों के लिए चलते हैं ऑन एवरेज पंद्रह बीस दिन मान लीजिए मैम मोटा मोटी सर अब पार्लियामेंट के तीन सेशन अब आप सोचिए एक सेशन मान लो अभी दो दिन पहले खत्म हुआ है सर सोचिए देखना सर पार्लियामेंट का मान लो अभी दो दिन पहले ही कोई एक सेशन खत्म हुआ है अगला सेशन आने में ऑन एन एवरेज आप सोचिए साल में तीन सेशन होते हैं सर ऑन एन एवरेज दो पार्लियामेंट के सेशन में लगभग तीन साढ़े तीन महीने का गैप होता होगा सर अरे पंद्रह बीस दिन एक सेशन चल रहा है मोटा मोटी सर तो मोटा मोटी दो सेशन के बीच में तीन साढ़े तीन महीने का गैप होता सर अराउंड थ्री टू थ्री एंड हाफ मंथ इज द गेप बिटवीन टू पार्लियामेंट्री सेशन अब सर मेरी बात समझना दो दिन पहले मान लो पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है अगला सेशन अब ऑन एवरेज तीन महीने बाद आएगा तीन चार महीने बाद आएगा साहब अब मान लो आज मुंबई में इतनी बारिश हुई है इतनी बारिश हुई है सर सब तरफ पानी ही पानी सब तरफ पानी पानी सर वाटर ब्लॉगिंग हो गया है इन एवरी एरिया ऑफ द मुंबई अब मेरा पॉइंट आपसे ये आपको अगर पता हो देश का लगभग लगभग 90 परसेंट ऑफ द शुगर कहां स्टोर होता है आपको पता है वो कहां स्टोरेज होता है इसका पता है आपको मुंबई महाराष्ट्र ऐसा होता नहीं है जस्ट ये ऐसे बोल रहा हूं सर मान लो मान लो देश का मोर देन 90% परसेंट शुगर मुंबई में स्टोर होता है सर मुंबई में वेयरहाउस होता है सब अब मेरा पॉइंट ये है अगर उसका स्टोरेज 90% परसेंट मुंबई में होता है एंड मुंबई हर तरफ पानी ब्लॉक हो गया है एंड सर उन वेर में पानी घुस गया है शक्कर खराब आप मुझे बताओ देश का लगभग लगभग 90% परसेंट शुगर खराब अब क्या करेंगे सर शुगर एक ऐसी गुड्स है एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके लिए शुगर का और नाइन्टी परसेंट ऑफ दी शुगर मुंबई में स्टोर होती है ये भी केवल एग्जाम्पल के लिए बोला है मैंने आपको ताकि मैं आपको अगली बार समझा पाऊं अब सर सोच के देखिए आप अगर ऐसा कभी सिचुएशन हो गया तो सर इस तरह की इमरजेंसी अगर आ गई शुगर के, के केस में शुगर इज द गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी जो रोज काम आता है <coughs> अब देश का मोटा मोटी नाइन्टी परसेंट शक्कर खराब हो गया साहब अब आप खुद सोचिए सर आपने भी थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है अब मेरा पॉइंट आपसे यह है कि अगर देश का मोटा मोटी 90 परसेंट शक्कर खराब हो गया डिमांड तो उतनी की उतनी है सप्लाई एकदम ठप हो जाए कम हो जाए सोचो क्या होगा सप्लाई एकदम कम डिमांड उतनी की उतनी डेफिनेटली सर प्राइसेस हाइक हो जाएंगे शुगर के अब शुगर जैसी गुड्स जो डेली नेसेसिटी वाली गुड्स है साहब उसके प्राइसेस अगर इतने हाइक हो जाए इन्फ्लेशनरी रेट इन्फ्लेशन रेट का क्या होगा सोच देखिए सर देश की जनता का क्या होगा आप सोच देखो ऐसे केस में अब शक्कर तो खराब हो गई इसको तो नहीं बचा सकते साहब नेचुरल कैलेमिटी की वजह से मान लो शक्कर खराब अब शक्कर चाहिए सप्लाई तो उतना उतना सर डिमांड तो उतना उतना होगा सप्लाई करना पड़ेगा नहीं तो प्राइसेस हाइक हो जाएगी और शुगर जैसी गुड्स की प्राइसेस अगर इतनी हाइक हो जाए तो सर इन्फ्लेशन रेट बैंड बजेगी साहब देश में सर इकोनॉमिक पड़ जाएगी साहब अब ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए सोचिए आप चक्कर तो खराब हो गई उसको नहीं बचा सकते सर अब क्या करें सर ऐसा सर मोदी जी यह देश के हमारे जितने भी नेता लोग हैं वो सब अपने अपने एरिया के किसान लोगों को बोलेंगे भाई और बहनों अपने अपने एरिया में जाके फटाफट शुगर का प्रोडक्शन चालू करिए सर शुगर केन आएंगे उसको फैक्ट्री में ले जाएंगे उसको क्रश करेंगे शुगर केन जूस निकलेगा उसको फिर प्रोसेस करेंगे और शक्कर बनेगी क्या ये प्रोसेस रातों रात हो जाएगी अगले दिन शुगर आ जाएगी सर अरे भाई इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुगर केन इट विल टेक इट्स ओन टाइम टू गेट प्रोड्यूस्ड शक्कर बनने में टाइम लगेगा तब तक क्या शुगर फ्री क्या करे भाई आप सोचिए सर तब तक क्या शुगर फ्री शुगर बंद कर दे इन्फ्लेशन रेट को जो होना हो जाए गवर्नमेंट बोल दे ठीक है जो होना होगा अब हम क्या करें साहब शुगर प्रोड्यूस टाइम लगेगा तो आप मुझे बताओ ऐसे केस में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए देश के अंदर की सारी शुगर खराब खत्म अब डिमांड को मीट करना है नहीं तो सर, सर प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा देश की सारी शुगर खराब तो गवर्नमेंट को उस टाइम पे क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर मोमेंट पर सर गवर्नमेंट को ऐसा एक्शन लेना चाहिए सो so दे हम उस शुगर को आउट ऑफ इंडिया से इंपोर्ट कर ले फटाफट और यहां की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गवर्नमेंट को आउट ऑफ इंडिया से शुगर इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए सर टू कटल द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन इंडिया अब सर आप सोचिए इमीजिएटली गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है कि सर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शुगर के इंपोर्ट को प्रमोट करना है शुगर के इंपोर्ट को बढ़ाना है तो आप मुझे बताओ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम ड्यूटी लगता है बेटा बता, बता रो नॉलेज के लिए कस्टम्स ड्यूटी इज चार्ज ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को अगर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शुगर का इंपोर्ट बढ़ाना है इंक्रीज करना है प्रमोट करना है तो क्या उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दे या कस्टम्स कम कर देना चाहिए सर है हाँ ना सर इंपोर्ट को अगर बढ़ावा देना उस टाइम पे इंक्रीज करना है इंपोर्ट ऑफ शुगर को तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गवर्नमेंट को सर इंपोर्ट ऑफ शुगर को बढ़ाने के लिए कस्टम्स की ड्यूटी कम कर देनी चाहिए या एग्जेम कर देनी चाहिए सर हा है ना तभी तो प्रमोट हो पाएगा अब आप मुझे बताओ गवर्नमेंट को अगर कस्टम ड्यूटी उस शुगर पर कम करनी है या एग्जेम करनी है मतलब लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना है सर अरे कस्टम्स लॉ में अमेंडमेंट करना है भाई अब कस्टम्स लॉ में अगर अमेंडमेंट करना है तो अभी अभी हमने बात करी इतनी देर से चिक चिक के बात करी कि अमेंडमेंट करना है लॉ के अंदर कौन कर सकता है पार्लियामेंट कर सकता है और पार्लियामेंट का सेशन अभी दो दिन पहले खत्म हुआ है अगला सेशन कब आएगा अगले तीन से चार महीने बाद तब तक क्या करें शुगर फ्री शक्कर दे दो मेरे को ऐसा <coughs> क्या करें सोच देखिए सर गवर्नमेंट ने यह भी सोच लिया कि सर शक्कर पे कस्टम्स एग्जिम कर देते हैं कम कर देते हैं ताकि शक्कर फटाफट फड़ इंपोर्ट हो पाए प्रमोट हो पाए इंपोर्ट आ जाएगा फटाफट फड़ इम्पोर्ट शक्कर आ गई तो सर देश का अंदर डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाएगी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाइक नहीं होगी और सर कंट्रोल में आ जाएगी सिचुएशन पर सर ये शुगर पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए सर लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ेगा लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है अभी आपने और हमने बात करी देश के अंदर जो भी लॉ बनेंगे पार्लियामेंट बनाएगी अमेंडमेंट करना है पार्लियामेंट करेगी पार्लियामेंट का सेशन अभी दो दिन पहले खत्म हुआ है तो अब क्या करें ऐसे केस में सर ऐसा कि कल दिन में दो बजे मेरे को हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पे चाहिए भले वो तेर क्या है उड़ क्या है चल क्या है उड़ के ऐसा कोई नायक मूवी चल रही है क्या कोई अनिल कपूर वो एक्टिंग कर रहे हैं क्या भाई साहब मैंने बोला ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सारे बिजी है ऐसा <laughs> नहीं होता है मूवीज में होता केवल कि, कि कल दिन में दो बजे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई यहां चाहिए ऐसा नहीं होता है प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया समन भेजते हैं सर पार्लियामेंट का सेशन शुरू करने के लिए पूरा प्रोसेसर है इसका समझे इसलिए पल पल में ऐसा नहीं कल दिन में दो बजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सारा यहां चाहिए ऐसा नहीं होता साहब इसलिए जब हमने एक्ट बनाया हमने उसमें एक सेक्शन बना दिया और उस सेक्शन का पावर हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया डेलीकेटेड पावर्स दो मिनट बताता हूँ मैं आपको रुकिए हमने कुछ पावर्स गवर्नमेंट को डेलीगेट कर दिया सारे पावर नहीं कुछ पावर्स जैसे इस तरह की जब इमरजेंसी होती है उसके लिए सर हमने एक सेक्शन नंबर 11 बना रखा है जीएसटी के अंदर हमने सेक्शन नंबर 25 बना रखा है कस्टम्स के अंदर सर सुनेगा बात ध्यान से उस सेक्शन नंबर 25 ऑफ द कस्टम्स एक्ट में क्या लिखा है समझना कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में मतलब जनहित में अगर उनको लगे कि सर किसी भी गुड्स के इम्पोर्ट पर कस्टम्स एग्जम करना है तो ऐसे केस में इमीजिएटली बाय इश्यू ऑफ अ नोटिफिकेशन

मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सर डिपार्टमेंट बना रखा है इंडायरेक्ट टैक्स का सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सर वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट क्या करेगा उसको पावर दे रखी है वो नोटिफिकेशन इश्यू करेगा या ऑर्डर इश्यू करेंगे कि भाई आज से विथ इमीजिएट इफेक्ट कस्टम्स ड्यूटी ऑन शुगर एग्जेम्प्टेड भली पूरा एग्जाम करे भले वो पार्शली एग्जाम करे जैसे भी करना वो कंडीशन लगा के एग्जाम कर सकते हैं सर एंड दिस इज हाउ सम पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू द गवर्नमेंट जहां पर डायरेक्ट गवर्नमेंट क्या कर सकती है अमेंडमेंट कर सकती है वहां पर पार्लियामेंट के सेंक्शन की जरूरत नहीं होती है इमिडिएटली नोटिफिकेशन इश्यू करके काम हो जाता है वहां पार्लियामेंट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है दिस इज हाउ अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो मेड थ्रू दिस डेलीगेटेड पावर्स आपने देखा होगा जब से जीएसटी आया आपने तो हो सकता है अभी आप आपकी शुरुआत है टैक्सेशन में पर सर जब से जीएसटी आया 2017 में जीएसटी आया और आपको पता है देखा होगा सुना होगा कई बार कि जीएसटी के अंदर बार बार चेंज हो रहे हैं बार बार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं लोगों के अंदर जैसे जैसे इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट हो रही है वैसे वैसे, वैसे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इश्यू करी वो सब डेलीगेटेड पावर के थ्रू इश्यू हो रहे हैं क्लियर आपने देखा होगा साल में बजट तो एक बार आता है फाइनेंस बिल एक बार आता है पार्लियामेंट के थ्रू और आपने देखा होगा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर वो जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं वो होता है फाइनेंस बिल जब तक वह बौद्ध हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास नहीं होता है पार्लियामेंट्री सेशन के थ्रू बौद्ध हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बौद्ध हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा उनसे पास जब तक नहीं होता है तब तक वो फाइनेंस एक्ट नहीं बनता है फाइनेंस एक्ट मतलब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो गया मेजोरिटी ऑफ दी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने उसके लिए एग्री कर लिया तब जाके वो बनता है एक्ट और सर जब फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करते होता है फाइनेंस बिल आपने सुना होगा बिल पेश किया बजट पेश किया सर उसको अप्रूवल होता है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से तब जाके वो एक्ट बनता है और एक्ट बनता है तब जाके वो एप्लीकेबल होता है फाइनेंस बिल एप्लीकेबल नहीं वो कानून नहीं है वो तो प्रपोज किया है आई लव यू अरे मतलब सर आई वीज इज चेंजेस शुड बी डन इन द एक्ट ये प्रपोज किया है सारे सर उसको देखते हैं समझते हैं एंड देन सर जब वो पार्लियामेंट से पास होता है बौद्ध हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से तब जाके वो एक्ट बनता है तब जाके वो कानून बनता है पर सर इस तरह के कुछ केसेस में जहां इमरजेंसी होती है जहां जरूरत होती है तो सर बिट्वीन द टू पार्लियामेंट्री सेशन अगर कोई इस तरह का सिचुएशन बनता है जैसे मैंने आपको बताया शक्कर वाला एग्जाम्पल लेके तो वैसे कुछ सेक्शन में बना रखे जहां हमने डायरेक्ट गवर्नमेंट को पावर दे रखा है विदाउट द पार्लियामेंट्री सेंक्शन वो अमेंडमेंट कर सकते हैं थ्रू नोटिफिकेशन या ऑर्डर और सर वो अमेंडमेंट अगर हो गया तो वो एप्लीकेबल हो जाता है इमीजिएटली क्लियर डन सो सर दिस अमेंडमेंट आर मेड तो अमेंडमेंट केवल और केवल बजट के थ्रू नहीं होते फाइनेंस बिल के थ्रू नहीं होते सर वो डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू भी होते हैं आपको शायद समझ में आ गया कैसे लॉ में अमेंडमेंट होते हैं सब इसलिए सर साल में बजट या फाइनेंस बिल तो एक बार होता है पर साल में बार बार बीच में अमेंडमेंट होते रहते हैं वो अमेंडमेंट कहां से होते हैं कैसे होते हैं वो डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू होते हैं हम भी पढ़ेंगे जब जीएसटी हम भी पढ़ेंगे जब कुछ सेक्शन सर वहां देखेंगे गवर्नमेंट हैज पावर अरे मैं तो कह रहा हूं आपने भी कुछ लॉज पढ़े होंगे आपने हो सकता है फाउंडेशन लेवल पर या इंटरमीडिएट में भी अगर आपने शुरू कर दिया हो तो आपने कुछ लॉज पढ़े होंगे उसमें लिखा होगा बोर्ड हैज पावर आपने पढ़ा होगा उसके अंदर सर गवर्नमेंट हैज पावर वो क्या है वो हमने पावर दिया सर डायरेक्ट गवर्नमेंट को डेलीगेटेड पावर दिया एंड जो पावर दिया उतना ही काम वो गवर्नमेंट कर सकता है सारे काम गवर्नमेंट नहीं कर सकता विदाउट पार्लियामेंट क्लियर तो कुछ पावर हमने डेलीगेट कर दिए जिसके थ्रू भी अमेंडमेंट होते हैं तो केवल फाइनेंस एक्ट के, के थ्रू अमेंडमेंट नहीं होते अदर नोटिफिकेशन के थ्रू भी अमेंडमेंट होते हैं वो भी हम सब कवर करेंगे जो भी रिलेवेंट होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए ओके ये बातें मैंने आपको क्यों समझाई क्योंकि सर आपके लिए जितने भी अमेंडमेंट होते हैं वो केवल फाइनेंस एक्ट के, के थ्रू नहीं होते कई सारे नोटिफिकेशन कई सारे ऑर्डर भी इश्यू होते हैं वो भी हम सब कवर करने वाले जो भी आपके लिए रिलेवेंट है जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है वो सब हम इन लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं और आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है वो उस अकॉर्डिंग ही अमेंड होके मिला है और सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो उस अकॉर्डिंग ही अमेंड हुए हैं बेटा क्लियर समझे तो सरकार गवर्नमेंट कौन हम गवर्नमेंट कौन चलाता है हम गवर्नमेंट के सारे पावर्स पार्लियामेंट्री पावर पर कुछ पावर जब पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया ना तभी उस एक्ट के अंदर ही लिख डाला कि यहाँ पे एक डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो ये काम कर सकते हैं वो कौन कौन से पावर है जैसे जैसे हम एक्ट पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझाता जाऊंगा मैं और आपको अपने आप समझ आ जाएगा जहां भी लिखा है गवर्नमेंट पावर डेलीगेटेड पावर हर सेक्शन में यह पावर नहीं दिया कुछ जगह ये पावर दिया बेटा क्लियर समझे सो देट डे टू डे लाइफ अफेक्ट नहीं हो पाए देश की पार्लियामेंट सेशन दो सेशन में ऑन एवरेज तीन साढ़े तीन महीने का गैप होता है इसलिए बेटा ओके क्लियर डन शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई तो गवर्नमेंट कौन हम हम मतलब पार्लियामेंट और सर गवर्नमेंट के पावर्स कैसे होते हैं एक्ट कैसे बनते हैं एक्ट में अमेंडमेंट कैसे होते हैं शायद आपको समझ में आ गए तो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू तो होते ही होते हैं बीच बीच में डेलीगेट पावर के थ्रू नोटिफिकेशन ऑर्डर भी इश्यू थे उसके थ्रू भी अमेंडमेंट होते हैं और कई सारी जगह जहां गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है इंडस्ट्री में तो कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है स इश्यू कर दिए हम पढ़ेंगे आगे अभी नाम से डरना नहीं नोटिफिकेशन ऑर्डर सर्कुलर सर्कुलर्स आर मेयर क्लियरिफिकेट क्लेरिफिकेशन बाय द डिपार्टमेंट कोई टॉपिक को लगे कोई कंफ्यूजन है तो गवर्नमेंट क्या कर दिया सर्कुलर इशू करके बोल दिया कि भाई उस एक्ट में जो लैंग्वेज लिखी है उसका मीनिंग ये है दिमाग खराब मत करो समझे उसके बोलते हैं सर्कुलर्स अच्छा ये सब चीजें आएगी तो अपने आप समझ में आएगा अभी तो क्या मैं आपको बता रहा हूं क्यों होता है जब प्रैक्टिकली आप देखेंगे आपको समझ में आया अच्छा अच्छा ओके ठीक है चल चले दो माहौल के के साथ आगे सर तो सर तो गवर्नमेंट 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 वी आर पावर्स सारे पार्लियामेंट पावर तो सर सारे एक्ट किसने बनाए हमने बनाए हमने थ्रू पार्लियामेंट बनाया सर कैसे बनाया शायद सिस्टम समझ में आ गया आइए वापस हम अपने पॉइंट पे आ जाते गवर्नमेंट कौन हम तो सर हमने शुरुआत करी थी तब तो बात करी थी टैक्सेस क्या होते बेटा टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट ओके टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट क्वेश्चन आता है क्या रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम ओके okay. सोचो जल्दी नहीं मेरे को सर मस्त होके पढ़ेंगे मस्त माहौल के साथ सर टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम टैक्स पे कौन कर रहा है हम पे कर रहे हैं किसको पे कर रहे गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं गवर्नमेंट कौन हम टैक्सेस पे कौन कर रहा है हम किसको पे कर रहे हमको ही पे कर रहे ओ भाई भले वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो सर कौन पे कर रहा हम पे कर रहे हैं किसको पे कर रहे गवर्नमेंट को पे रहे गवर्नमेंट कौन हम मतलब हम ही हमको पे कर रहे हो भाई ये क्या हो रहा है यस दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड सर टैक्सेस आप मुझे बताओ गवर्नमेंट कौन हम डेमोक्रेसी है सर आज रोड बनानी है अंधेरी से आपको बोरीवली बोरी जाना है सर मान लो मुंबई से आपको दिल्ली जाना है रोड चाहिए ना आप अकेले बना सकते हो ना मैं अकेला बना सकता हूं पर हम सब अगर देश के लोग मिल जाए और सर कुछ कंट्री कर दे तो उस कंट्री से एक फंड तैयार हो जाएगा और उस फंड से हम रोड बना सकते हैं पर वो कंट्री कितना करे हम दस दोस्त पांच दोस्त जब कभी शाम को पार्टी में जाते हैं डिनर पे चले गए सर सोचते काश ये वाला फ्रेंड पूरे पैसे दे दे वो फ्रेंड भी यही सोच रहा था हमारे लिए हा है ना एट कंट्री करते कंट्री करते पैसे आ जाते और पैसे देके सर पार्टी हुई थी है माहौल के साथ शानदार जबरदस्त अब आप मुझे बताओ वो काउंट्री किसने किया हम सब ने मिलकर किया सेम वे रोड बनानी है एयरपोर्ट बनाना है सर आज मान लो पुलिस वाले कौन है सर आज पुलिस फोर्स जो है वो सर हमारे देश की सिक्योरिटी कर रही है हम लोगों का सिक्योरिटी कर रहे हैं सेफ्टी के लिए सर उनको पैसा कहां से आएगा उनकी सैलरी कहां से निकलेगी सर हम देंगे ना सर कहां से आएगा फंड सर हम सब मिलकर काउंट्रिक करेंगे क्योंकि हम सबके लिए ही वो काम कर रहे हैं अब सब हम सब मिलकर अगर कॉन्ट्री करेंगे तो कितना करेंगे देखा होगा सर कोई अगर मान लो वारंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे तो कोई दोस्त ग्यारह रुपए कोई सवा एक रुपया और नारियल कोई एक सौ एक रुपए अरे ना हो गया देश चल गया भाई कंट्री हो गया इसलिए कौन कितना कंट्री करेगा वो भी हमने फिक्स कर दिया कि जो अमीर होगा ज्यादा टैक्स देगा जो गरीब होगा वो टैक्स कम देगा जो लग्जरी गुड्स यूज कर रहा है वो ज्यादा टैक्स देगा जो बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स यूज कर रहा है वो टैक्स कम देगा देखना लग्जरी गुड्स पे टैक्स ज्यादा होता है सर बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी वाले गुड्स होती है उस पर टैक्स कम होता है सर सो so दैट जो बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी वाली चीज हो उसका कम कम रहे उसकी कॉस्टिंग रहे लग्जरी वाले पैसे बहुत है टैक्स लो उनसे कोई दिक्कत नहीं सर जिसका इनकम ज्यादा उसका इनकम टैक्स का रेट भी ज्यादा जिसकी इनकम कम उस उसपे टैक्स भी कम रहा है ना सर हमने क्या कर दिया सर उसके लिए कानून बना दिया एक्ट बना दिया सो दैट कौन कितना काउंट्री करेगा सर उसमें किसी को सोचना ना पड़े और सर वो कंपलशन कर दिया जिसको कानून बोलते जिसको एक्ट बोलते हैं एंड सर हमने टैक्सेशन एक्ट बना दिया टैक्सेशन लॉज बना दिए सो टैक्सेस आर नथिंग बट अगर मैं एक सिंगल लाइन में आपसे बात करना चाहूं तो टैक्सेस आर नथिंग बट अ म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री हम सब मिलके उस फंड में कंट्री कर रहे हैं और वो कंट्री किया हुआ फंड हम सब पे ही काम आ रहा है हम सबके लिए ही काम आ रहा है समझा मेरी बात तो सर वो म्यूचुअल फंड एक तरह से वो म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन एक तरह से जो टैक्सेशन है वो कौन कितना करेगा कंट्री उसके लिए फिक्सेशन कर दिया उसके लिए लॉ बना दिया कानून बना दिया एंड उस अकॉर्डिंग हमको वो पे करना पड़ेगा एंड उसी के लिए सर हमको ये टैक्सेशन लॉज पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि देश के सारी लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं है कि कितना टैक्स पे करना है कितना नहीं पे करना है हम सब लोग जो चार्टर अकाउंटेंट्स होंगे कंपनी सेक्रेटरीज होंगे कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट होंगे वो लोग देश के लोगों को समझा पाएंगे कानून में ये लिखा है इसलिए आपको ये करना है पर सर आप बताओ कानून में क्या लिखा हो अगर हमको ही समझ नहीं आए तो देश के लोगों को क्या, क्या? क्या खाक समझाएंगे इसलिए सर मैंने आपको शुरुआत से ही बात कही कि एवरी लॉ इज लॉजिकल और हमने अगर उसको लॉजिकली समझ लिया तो हम देश की जनता की सेवा कर पाएंगे देश की जनता को समझा पाएंगे और उनको अगर हम समझा पाएंगे तो हम हमारे देश और हमारे परिवार की भी सेवा कर पाएंगे अरे हाँ ना भाई तो हमारा काम क्या है लोगों को समझना और फिर देश को समझाना एंड आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर लो इन अ वेरी स्मूथ मैनर आई थिंक बातें आपको समझ में आ रही सर तो टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट मतलब हमारे म्यूचुअल फंड है हमारे एक तरह से कॉन्ट्री क्या अमाउंट है जो हमारे लिए काम आने वाला है नाउ समेक्सेज आर कलेक्टेड डायरेक्टली इन समेसेस आर कलेक्टेड इनडायरेक्टली अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है आगे हमें अपने मेन मुद्दे पे सर सिस्टम समझ में आ रहा है सर आपको अब सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है अ टैक्स विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली इज कोल्ड डायरेक्ट टैक्स अ टैक्स विच इज कलेक्टेड बट इन डायरेक्टली इज कोल्ड इन डायरेक्ट टैक्स ओके सही तो नाम को ही आपने घुमा फिरा के बोल दिया है सर मतलब क्या है समझिएगा बात को मेरी बात समझना मान लो इनकम टैक्स सर इनकम टैक्स आपको देना है मान लो तो आप देंगे डायरेक्ट किसको गवर्नमेंट को सर इफ यू आर पेइंग द टैक्स द टैक्स पेयर डायरेक्टली इज पेइंग द टैक्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड इनकम टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स बट आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स देन इट विल बी मोर क्लियर क्लियर टू यू सर फॉर एग्जाम्पल आपने सर कोई पेन परचेज किया कपड़े परचेज किए मान लो ये शर्ट मैंने परचेज किया रुपीज वन थाउजेंड आपने देखा होगा इंक्लूजिव ऑफ ऑल टैक्सेस आपने लैपटॉप परचेज किया मोबाइल परचेज किया मान लो मोबाइल परचेज किया ट्वेंटी थाउजेंड इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आपने जब दुकानदार को दिया होगा बीस हजार रुपए उसमें टैक्सेस का अमाउंट भी है मान लो फॉर एग्जांपल उस बीस हजार में से दो हजार रुपए टैक्स है आउट ऑफ दो रूपीज ट्वेंटी थाउजेंड टू थाउजेंड इज टैक्स आपने किसको पे किया समझना बात को ध्यान से सर पूरा बीस हजार आपने पे किया उस, उस शॉपकीपर को उस सप्लायर को पे किया आपने सर वो दो हजार रुपए से टैक्स का अमाउंट है क्या वो शॉपकीपर ने क्या वो सप्लायर ने अपने पॉकेट में डाल दिया होगा वो उसका खुद का रेवेन्यू है अठारह हजार उसका रेवेन्यू है पर दो हजार रुपए गवर्नमेंट का रेवेन्यू है जो उसने एक बार उस कस्टमर से लिया है अब उस शॉपकीपर को दो हजार रुपए देने पड़ेंगे किसको गवर्नमेंट को तो अल्टीमेटली टैक्स गया किसके पास गवर्नमेंट के पास अल्टीमेटली दिया किसने आपने दिया बात को समझना अगर आपने वो टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर दिया होता तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स पर आपने पे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को किया है पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं किया है थ्रू सम अदर पर्सन किया है सर आपने डायरेक्टली नहीं पे किया है थ्रू सम पर्सन किया है मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स लिया तो आप सही है पर डायरेक्टली आपसे नहीं लिया है किसी और पर्सन के थ्रू लिया है इनडायरेक्टली आपसे लिया है दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स सर आई थिंक बात समझ में आ गई जैसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले हुआ करता था सर्विस टैक्स वेट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज एटसेट्रा सर अभी भी कुछ गुड्स पे वेट एक्साइज लगता है वो अभी छोड़ो पॉइंट मेरा वो नहीं है पर एग्जाम्पल लेता हूं मैं जीएसटी का मोबाइल फोन बीस हजार रुपए एमआरपी मान लो दो हजार रुपए टैक्स है ये दो हजार आपने पे किया है गवर्नमेंट ने लिया है आपसे पर डायरेक्टली आपसे नहीं लिया थ्रू अदर पर्सन लिया इनडायरेक्टली लिया आपसे ये तो सर दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स दिस इज द बेस्ट एग्जांपल यहां पे क्या हो है? Indirect में, में, person, सर, पे रहा है इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी में द पर्सन सर द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है अल्टीमेटली आप पे कर रहे हो पर क्या डायरेक्टली पे कर रहे हो नहीं तो गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है शॉपकीपर सप्लायर पे कर रहा है कोई और पर्सन पर उसका बर्डन बोन कर रहा है कोई और पर्सन उस टैक्स का जो बर्डन आ रहा है वो टैक्स किसकी पॉकेट से गया है वो आपकी पॉकेट से गया है तो सर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स द पर्सन हु इज पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट इज नॉट बोर्निंग द टैक्स ऑफ द गवर्नमेंट सर उसका बर्डन बोर्न कर रहा है कोई और क्लियर <laughs> वो टैक्स गवर्नमेंट दे रहा है और वो आपसे ले रहा है क्लियर तो बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू समी एल्स

डाय चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विस और गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ाकर उस पर टैक्स जोड़ दिया एंड वो टैक्स अल्टीमेटली आपने पे किया सर जिसको गवर्नमेंट को पे करने वाला पर उसने शिफ्ट करके आपको दे दिया, तो अल्टीमेटली टैक्स गया इनडायरेक्टलीज इन डायरेक्ट और अगर आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट कोज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स आई हो गई आपने आज तक सुना होगा याद क्या होगा इनकेस ऑफ इंडन इज शिफ्ट कस्टमर याद नहीं करने का सर इनको प्रैक्टिकली समझने का दैट्स वोट इज माई जॉब एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं चीजों को प्रैक्टिकली समझा पाऊं आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है लॉ किसने बनाए हमने बनाए टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन हम लोग हम मतलब कौन देश की सारी जनता सर अल्टीमेटली गवर्नमेंट कौन हम सब लोग डेमोक्रेसी साहब इसलिए सर जो भी होगा जो भी लॉ में चेंज करना होगा वो जनता करेगी जनता कैसे करेगी सर थ्रू पार्लियामेंट करेगी इसलिए गवर्नमेंट के जितने भी पावर है ऑल पावर पार्लियामेंट्री पावर पर कुछ पावर्स हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट को डेलीगेट किए हुए सो देट सर पार्लियामेंट का सेशन अगर नहीं भी चल रहा हो तो भी उन उन रेस्पेक्टिव केवल कुछ कामों के लिए जिनके लिए पावर डेलीगेट किया है वो उसके लिए डिसीजन डायरेक्ट गवर्नमेंट ले पाए कोई दिक्कत नहीं आया उसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ के अंदर बेटा क्लियर डन यहां तक शायद आपको बात समझ में आ गई कि साहब सारे लॉज़ बने हुए लॉजिकल है सर क्योंकि हमने बनाया हमारे लिए बनाया तो लॉजिकली होंगे सर इलॉजिकल नहीं होंगे इसलिए हमको लो को समझना पड़ेगा मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको मजा आ जाएगा जिंदगी के अंदर सर समझना ध्यान से पता है एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अगर कभी भी कोई अससी अच्छा अससी का मतलब होता है पेयर जिसको टैक्स पे करना है अगर कोई टैक्स पेयर जिसको टैक्स पे करना है वो अगर टैक्स पे करने में लेट हो जाता है इफ ही डिलेज इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट ने बोल दिया इस दिन तक आपको टैक्स पे करना है अगर आप लेट करते हो तो क्या फांसी ऐसा गोली सोडा दो ऐसा नहीं सर अगर आपने कोई टैक्स जो पे करना था उसकी जो तारीख थी उसके बाद पे किया लेट पे किया तो उसके लिए आपको देना पड़ता है क्या इंटरेस्ट

फिफ्टीन परसेंट पर नम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दो दिन लेट हुआ दो दिन इंटरेस्ट दो क्लियर मतलब दो दिन डिवाइड बाई थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंटू जो भी अमाउंट होगा उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा सर समझ में आई बात आपको ओके okay. सर पर यही अगर मान लो कभी अससी ने कोई टैक्स एक्स्ट्रा पे कर दिया Osionfish. या गवर्नमेंट टैक्स एक्स्ट्रा ले लिया बाद में अगर उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड उसका रिफंड अगर मान लो सेंक्शन हो गया मतलब केस जीत गया रिफंड उसका सेंक्शन हो गया साहब अप्रूव हो गया वो केस जीत गया अब उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया उसने रिफंड के लिए अप्लाई किया हम बात करें आगे अभी मैं एक बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूं आपसे उसने रिफंड के लिए एप्लीकेशन दी गवर्नमेंट को साहब मैं एक केस जीत गया हूं मेरा इतना अमाउंट रिफंड बनता है मैंने आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया है काइंडली ग्रांट में रिफंड अब रिफंड कौन देगा गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट जब रिफंड देने की बात कर रही है अब अगर गवर्नमेंट रिफंड देने में लेट हो गई इफ गवर्नमेंट डिलेज इन गिविंग द रिफंड टू तो दी एस सर पता है वहां पर भी क्या मिलना चाहिए इंटरेस्ट तो एक तरह से आपने हमारे पैसे को यूज किया हमको इंटरेस्ट दो सर हमने आपको लेट पे किया था आपने हमसे इंटरेस्ट ले लिया आपने हमको लेट पे किया आप भी हमको इंटरेस्ट दे दो तो, पता है 6 पर सिंपल इंटरेस्ट और वो भी कब भाई साहब अगर आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया रिफंड के लिए और गवर्नमेंट ने सिक्सटी डेज हो गए साठ दिन में भी रिफंड नहीं दिया तो फ्रॉम सिक्सटी फर्स्ट डे गवर्नमेंट विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एंड दे रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर नम और हमारे लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स था उसे एक दिन भी लेट किया तो वेरी नेक्स्ट डे सर वहां से एक दिन लेट किया तो एक दिन का इंटरेस्ट पे कर दो तो, कोई साठ दिन का वक्त नहीं है और वह भी इंटरेस्ट कितना फिफ्टीन परसेंट पर नम और खुद के लिए भाई साहब खुद की बात है तो सिक्स परसेंट हमारी बात है तो फिफ्टीन परसेंट खुद के लिए सिक्सटी डेज हमारे लिए एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं क्यों ना गवर्नमेंट चोर हाँ जी क्लियर प्रोविजन में तो ये लिखा है सर अब बात को समझने की कोशिश करना जैसे ही मैंने आपको ये बात समझाई शायद आपको गुस्सा आ रहा होगा शायद आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी ही ना इंसाफी है हमारे साथ देश के अंदर ये क्या हो रहा है सर ये अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप एग्जाम पास हो जाओगे और मेरी अगली बात अगर आपने सुन ली तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे बात को समझने की कोशिश करना सर ये अगर आपने देख लिया तो सफिशेंट नहीं मेरे कहने का मतलब ये है सर बात को समझने की कोशिश ना अगर गवर्नमेंट ने फिफ्टीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे लिए रखा है क्यों रखा है बताएं अगर हमारे लिए भी सिक्स परसेंट पर नम रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दे तो क्या हो देखो दो सोल्यूशन है झगड़ा हो रहा है साहब या तो हमारे लिए भी छह परसेंट कर दो या खुद के लिए भी सर फिफ्टीन परसेंट कर दो सोचो अगर यहां पर 15 परसेंट पर दिया गवर्नमेंट के लिए छह से हटा के पंद्रह परसेंट कर दिया तो सर लोगों के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा सर मतलब आज आप बैंक में एफडी कराएंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट छह परसेंट सात परसेंट मैक्सिमम आठ परसेंट कुछ कुछ प्राइवेट बैंक दे, दे दे सर आप अगर एफडी कराएंगे तो भी सिक्स टू सेवन के बीच में ही ब्या जाता है, है ना सर इससे अच्छा क्या कर सर अगर गवर्नमेंट पंद्रह परसेंट दे रही होती इंटरेस्ट तो लोग तो क्या करते जान के एक्स्ट्रा टैक्स जमा कराते हैं साहब करातेमेंट से इंटरेस्ट लेंगे पंद्रह परसेंट पर नम सर जब भी गवर्नमेंट रिफंड के लिए बोलती कि भैया आपका रिफंड बना ले जाओ हम बोलते नहीं अभी नहीं चाहिए कीप इट विथ यू वी हैव सफिशियंट मनी विथ अस वी डोंट नीड एनी रिफंड सर अपने पास रखो पंद्रह परसेंट इंटरेस्ट आ रहा है भाई इज इट पॉसिबल सर इसलिए गवर्नमेंट ने सर हैविंग रिगार्ड टू मार्केट कंडीशन मैक्सिमम एफ डी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट छह से आठ परसेंट के बीच में इसलिए अगर गवर्नमेंट लेट होगी तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना देगी सो छो देजन का लोग मिस यूज नहीं कर पाए बात लॉजिकल है तो ठीक है सर हमने एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट विल पे ओनली इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट ठीक है साहब तो हमारे लिए भी सिक्स कर दो ना हमने किसने मना किया है ओके अब इस पर सोचिए अगर हमारे लिए सिक्स परसेंट पर कर दे तो क्या करेंगे जानबूझ के टैक्स लेट पे करेंगे क्यों अगर बैंक से लोन लेने जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिफ्टीन परसेंट एटीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन की उसकी कैपेसिटी कितनी है उसकी बिजनेस कितना है कैसा स्ट्रॉन्ग पर्सन है वो सर उस अकॉर्डिंग बैंक अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लोन पे इंटरेस्ट देती है अगर हम बैंक से लोन ले जाएंगे तो पंद्रह अठारह चौबीस परसेंट कोई बारह परसेंट इतना हम के बैंक से लोन नहीं लेंगे हम तो टैक्स लेट पे कर देंगे टैक्स लेट पे करेंगे तो क्या होगा मान लो दस लाख रुपए टैक्स बनता है मेरा किसी महीने का मेरे को बीस लाख का लोन चाहिए तो मैं दो महीने टैक्स पे नहीं करूंगा दो महीने टैक्स पे नहीं करूंगा तो क्या हो गया महीने का दस लाख नेक्स्ट महीने का दस लाख बीस लाख रुपए मेरे पास पैसा आ गया क्लियर वो पे ही नहीं करूंगा वो कब पे करूंगा साहब जब मेरे पास पैसा आ जाएगा तब पे करूंगा बीस लाख रुपए फंड अरेंज हो जाएंगे तब पे करूंगा क्यों चिंता नहीं है केवल सिक्स परसेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी सिंपल इंटरेस्ट अच्छा कोई लोन प्रोसेसिंग फीस नहीं बैंक से लोन लेंगे लोन प्रोसेसिंग फीस होगा सिक्योरिटी देनी पड़ती है अपने घर के डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं साहब दो तीन गारंटी वाले भी चाहिए होते हैं कोई लफड़ा नहीं किसी को अप्लाई नहीं करना लोन के लिए ऑटोमेटिक लोन बैंक सर जीएसटी पे ही मत करो लोन अपना मिल गया अपने को तो दस लाख रुपए बच गया ना सर अपने बस छह परसेंट पर नाम इंटरेस्ट देना आप खुद सोचो प्रोविजन का मिसिज होता कि नहीं होता डेफिनेटली होता इसलिए अगर एस किसी से लोन लेने जाता तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है मोटा मोटी मार्केट कंडीशन के हिसाब से फिफ्टीन परसेंट पर नाम इसलिए गवर्नमेंट ने अगर कोई एस लेट होता है टैक्स पे करने में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है फिफ्टीन परसेंट एटीन परसेंट रख लेते सब गड़बड़ हो जाता बेटा uh, सर सिक्स परसेंट सब गड़बड़ हो जाता था इसीलिए सर असर से तो फि परसेंट अब आप मुझे बताओ लॉजिकल है कि नहीं है। गवर्नमेंट हमने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो उनके लिए छह परसेंट क्योंकि हम अगर कहीं इन्वेस्ट करते एफ डी वगैरह वगैरह रेट ऑफ इंटरेस्ट छह से आठ परसेंट जो होता है मैक्सिमम क्लियर इसलिए ऑन एन एवरेज छह परसेंट गवर्नमेंट रखा और अगर हम टैक्स पे करने लेट होते तो सर हमारे लिए पंद्रह परसेंट क्यों अगर हम किसी बैंक से या किसी से भी लोन लेते तो पंद्रह परसेंट अठारह परसेंट बीस परसेंट तो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए गवर्नमेंट ने अठारह परसेंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है अब आप मुझे बताओ लॉजिकल है कि नहीं सर हंड्रेड परसेंट लॉजिकल दो मिनट पहले हमको लग रहा था गवर्नमेंट चोर बिल्कुल गलत प्रोविजन बनाए इन्होंने बिल्कुल गलत कर रहे बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ और यही दो मिनट बाद आप कह रहे हो नहीं नहीं हमारे लिए फिफ्टीन परसेंट इज लॉजिकल और उनके लिए सिक्स परसेंट इज लॉजिकल आप मुझे बताओ अगर आपको ये स्टोरी में नहीं समझाता कि आखिर क्यों हुआ फिफ्टीन परसेंट हमारे लिए क्यों उनके लिए सिक्स परसेंट है ये अगर क्यों को नहीं समझा होता आपने आपने केवल इतना पढ़ लिया था कि क्या है हमारे लिए पंद्रह है उनके लिए छह है केवल इतना पढ़ के छोड़ दिया होता तो सर जिंदगी भर आप गवर्नमेंट को गाली देके ये प्रोविजन पढ़ते जिंदगी भर आपके माइंड में बैड इंप्रेशन था और केवल आप रटते इसको कि लॉ में लिखा है बुक में लिखा है इसलिए याद कर लो अब लॉजिक समझ में आ गया अब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सर दैट्स वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड एंड दैट्स वॉट आई सी आई नीड फ्रॉम योर साइड सर आप केवल ये मत समझिए कि ये क्या है सर हमारा टारगेट होना चाहिए कि ये क्यों है

कि हमारे लिए पंद्रह क्यों उनके लिए छह क्यों गारंटी आप भूल ही नहीं सकते सच्चा प्यार हो गया सर आपको लॉजिक समझ में आ गया सच्चा प्यार कोई भूलता है क्या सर सर याद मत दिलाओ सर दर्द हो रहा है सर इधर सर मेरा पॉइंट शायद आप तक पहुंच गया एंड आई होप यू गॉट आखिर ये क्यों पढ़ा कि गवर्नमेंट कौन हम अब गवर्नमेंट अगर हम है तो डेफिनेटली लॉ लॉजिकल होगा क्लियर सर इसलिए इसलिए लॉ को समझना जरूरी है इसलिए मैंने सबसे पहला ही आपको ये समझाया लॉ जब हम शुरू कर रहे हैं टैक्स भी कौन एक कानून है सर सर ये लॉ जो हम पढ़ेंगे इसको लॉजिकली पढ़ना है कोई रटने की जरूरत नहीं है आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है सर और बर्डन बना के नहीं पढ़ना हर एक चीज समझ नहीं है सर क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में हमारे काम आएगा हमको ही समझ नहीं आएगा देश की जनता को हम क्या समझाएंगे सर क्लियर आपको तो उस एंगल से पढ़ना है कि आपको देश का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है कंपनी सेक्रेटरी बनना है या कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट बनना है सर क्लियर सर एंड ध्यान देना सीए आप कोई एक दिन में नहीं बनते हो एक दिन जिस दिन आप सीए की डिग्री आपके पास आती है जिस दिन आप पास होता है एग्जामिनेशन के अंदर आपका रिजल्ट आता है उस दिन आप सीए नहीं बनते हो आप रोज सीए बन रहे हो जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस टॉपिक के आप सीए होने चाहिए सर दैट्स वॉट शुड बी आर अप्रोच एंड दैट्स वॉट विल बी माई अप्रोच आई होप यू गोट दी पॉइंट सर मिलते हैं अगले सेशन के अंदर आई होप लॉजिक समझ में आपको माहौल के साथ अच्छा सर एक और बात हम रेगुलरली फॉलो करेंगे कि जो भी मैं यहां लिख रहा हूं सर अगर मुझे लगेगा कि ये आपके लिए रेलिवेंट है तो आपको इसको कॉपी करना है पर सर वट आई डू सिंस ये वीडियो क्लास है कॉपी करने का टाइम आप यहां मत खराब करिए वीडियो क्लास के अंदर आप क्या करिए यू कैन है स्क्रीन शॉट ऑफ दिस स्लाइड इन स्लाइड्स का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए फोटो खींच लीजिए इसका और जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट कर लीजिए सो देट अपने वर्किंग नोट भी तैयार हो गए और फिर जो बुक से जो पढ़ना होगा मैं आपको बता दूंगा कि बुक से ये हमने पढ़ा टॉपिक वो आपको बुक से रेफर करना आज के लिए इस लेक्चर के लिए बुक को भी आपको रेफर नहीं करना मैंने बेसिक चीज बताई है कि टैक्सेशन क्या होता है आओ बच्चों सर सबसे पहले हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड माहौल के साथ सर प्लीज सर आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है भाई ये बहुत काम की चीजें होती है सर और हां एक रूल और अपने लेक्चर का जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको आज ही रिवाइज करना है अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया मेरी गारंटी है जो लास्ट लेक्चर होगा उस दिन आपको ये भी याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था ये मेरा काम है डोंट वरी फॉर दैट क्लियर और आपको याद नहीं करना पड़ेगा याद अपने आप हो जाएगा सर पर आपको डेली आपके एंड पे कंप्लीट करना है क्योंकि लेक्चर कंप्लीट करना शुड नॉट बी टारगेट टारगेट होना चाहिए कि आपके एंड पे कवर हो रहा है बढ़िया सर इसको कॉपी कर लीजिए प्लीज सर माहौल एंड जैसे कोई टॉपिक आपको समझ में आ जाए आपको बोलना है क्या माहौल तो माहौल बनता रहे सर मस्त वाला प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड माहौल है सर फाइनेंस बिल फाइनेंस एक्ट आ रहा पॉइंट बहुत बढ़िया ये सर माहौल कॉन्सेप्ट सर ये अगर सिक्स आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा तो मैं यहां से हटा देता हूं आप ध्यान रखिएगा इसका ओके okay, अभी कॉपी कर लीजिए तो आपको सॉरी ओके okay, सरकार माहौल जबरदस्त शानदार चलिए सर मिलते हैं ब्रेक के बाद अगले सेशन में सर बाय टेक केयर तब तक के लिए सर जितना मैंने पढ़ाया केवल एक बार उसको कर लेना सर माहौल बन जाएगा आज तो खेल केवल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया आपको देन नेक्स्ट सेशन से हम शुरू करेंगे सर अपने इंडा को लेकर सर माहौल के साथ बाय टेक केयर एंड That is more important.